तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टॉय गन को कैसे एक रियल गन में कन्वर्ट करते हैं। रियल तो नहीं, लेकिन एक एवरेज रियल गन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हम वीडियो पहले बना चुके हैं, देसी कट्टे के नाम से हमने बनाया था, और ये वाली वीडियो देसी कट्टा 2 है। और आज हम इसको फिर से बनाने वाले हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग के कमेंट आ रहे थे कि गन कहाँ से मिलेगी और छर्रे कैसे बनते हैं, एमसील क्या होता है। तो काफ़ी सारे डाउट आप लोग के आ रहे थे, तो आज की वीडियो में हम इन सभी डाउट को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये गन आपको कहाँ से मिलेगी। तो दोस्तों, जैसा कि दिवाली का टाइम चल रहा है और दिवाली के टाइम पे ये गन आपको मिलेगी, तो तब भी अगर आपके एरिया में ये गन नहीं मिलती है तो आप इसको फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन में भी देख सकते हैं। तो मैंने देखा था, वहाँ पर भी ये अवेलेबल हैं, लेकिन वहाँ पे प्राइस कुछ ज़्यादा है। तो आप ये कोशिश कीजिए कि लोकल ही इसको परचेज़ कीजिए। तो आप अच्छे से देख लीजिए कि ये गन कैसी दिखती है। तो गन के प्राइस की बात करें तो 25 रुपये से लेकर 30 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगी। और ये रही एमसील। तो आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे कि एमसील क्या होती है। तो दोस्तों, एमसील एक तरह की इपॉक्सी कंपाउंड होता है जो लीकेज को रोकता है, और इसको आप अपने लोकल एरिया में हार्डवेयर की जो शॉप होती है वहाँ पे ढूंढ सकते हैं, जहाँ पे पेंटिंग वाला सामान मिलता है, तो वहाँ पे आप इसको आसानी से ले सकते हैं। और इसके प्राइस की बात करें तो ये है 30 रुपये की। तो तब भी अगर आपको ये नहीं मिलती है तो फ्लिपकार्ट और अमेज़न तो हैं ही। तो इसके अंदर हमें 2 पैकेट मिलते हैं, और जब भी हम इसको यूज़ करते हैं तो दोनों को आपस में मिला के यूज़ करना पड़ता है। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टिश्यू पेपर का। और नेक्स्ट आइटम है रिंग कैप, तो इसको भी आप आसानी से ले सकते हैं। ये भी गन के साथ ही आता है, वैसे बेसिकली गन के साथ इसको चलाया जाता है। और इसके प्राइस की बात करें तो 5 से 6 रुपये का एक पत्ता मिल जाएगा। और लास्ट आइटम हमें चाहिए माचिस। तो फाइनली हमें टॉय गन को रियल गन में कन्वर्ट करने के लिए ये सारा सामान चाहिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे छर्रे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमसील के अंदर 2 पैकेट निकलते हैं। तो अब इन दोनों को आपस में अच्छे से मिलाएंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों को अच्छे से मिला दिया है। तो अब छर्रे बनाने के लिए हम छोटा सा पीस लेंगे और उसको रोल करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे छर्रे का जो साइज़ है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। तो अगर ये छोटा बड़ा होता है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये छर्रा इसके अंदर नहीं जा रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे और फिर से रोल करेंगे। तो यहाँ पे हमने छर्रों को बना लिया है, और सूखने में इसको 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है, और सूखने के बाद ये पत्थर से भी ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। तो गाइस, छर्रे बनाने की पूरी प्रोसेस हमने आप लोग को बता दी है, एंड आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं कि इसके बाद हमें क्या क्या करना है। तो अब हमें माचिस की जो तीली होती है उसके आगे का हेड जो होता है उसका पाउडर हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम उसका पाउडर निकाल लेंगे। तो मैच बॉक्स के अगल बगल जो स्ट्राइकर होता है उसका पाउडर भी हमको निकालना है, तो उसको हम आसानी से घिस करके निकाल सकते हैं। तो अब दोनों पाउडर को आपस में अच्छे से मिलाना है। तो गन का जो रोल वाला हिस्सा है जिसमें हम छर्रे को लगाने वाले हैं, तो उसको आप अच्छे से देखिएगा कि हम किस तरह से छर्रे को लगाते हैं।
तो सबसे पहले हम टिश्यू पेपर को गोल वाले हिस्से में रख देंगे और उसके बाद छर्रे को उसके ऊपर रख के उसको दबा देंगे, जिससे कि हमारा जो छर्रा है वो काफ़ी अच्छे से पैक हो जाएगा। तो यही प्रोसेस आपको सारे होल में करनी होगी, सभी में छर्रों को इसी तरह से लगाना है। तो पहले टिश्यू पेपर को, उसके बाद छर्रे को। तो अब हमने माचिस का जो पाउडर बनाया था उसको हम यूज़ करने वाले हैं, तो उसको आप देखिएगा कि हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ये रहा हमारा रिंग कैप, और इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि ये आपको मार्केट में ही मिलेगा 5 से 6 रुपए के बीच में। तो माचिस का जो पाउडर है वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। तो इस रिंग कैप को गन के अंदर लगाना है और उसके बाद हमारी जो गन है वो बन के पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सब कुछ आपको बता दिया है कि कैसे एक टॉय गन को रियल गन में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए अब इसको चला के देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपने देखा कि हमने कैसे इस टॉय गन को रियल गन में कन्वर्ट किया। तो अब आप लोग भी जान चुके हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आ रहे नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।